Hello everyone, I am back again with my favorite L'Oreal Paris Hyaluronic Acid range. Hyaluronic Acid skin care का key ingredient है और Hyaluronic Acid को skin care routine में ज़रूर add करना चाहिए ताकि आपकी skin भी hydrated, plump और radiant बन सके. Hyaluronic Acid skin में मौजूद एक natural molecule होता है जिसमें अपने weight से 1000 times ज़्यादा water hold करने की capacity होती है, जो स्किन में मॉइस्चर मेंटेन करता है और आपकी स्किन हाइड्रेटेड और हेल्दी रहती है. 20 इयर्स की एज तक हाइलुरोनिक एसिड को स्किन केयर रूटीन में ज़रूर इंक्लूड करें. यह डर्मेटोलॉजिस्ट का फेवरेट इंग्रेडिएंट है. हाइलुरोनिक एसिड ड्राई स्किन के लिए बेस्ट है, बट इट ऑल्सो सूट्स ऑयली स्किन इफ़ द राइट प्रोडक्ट्स आर एडेड. आज मैं आपको मॉइस्चर सैंडविच टेक्निक के बारे में बताऊँगी जिसने हाल ही में बहुत पॉपुलरिटी गेन की है. मॉइस्चर सैंडविच टेक्निक में हम डैम स्किन पर प्रोडक्ट्स की लेयरिंग करते हैं. ये लेयर्स वाटर को स्किन में ट्रैप करते हैं. पहले हल्के और वाटरी प्रोडक्ट्स को स्किन पर अप्लाई करते हैं, फिर थिक प्रोडक्ट्स से लेयर करते हैं. इस टेक्निक से मॉइस्चर बहुत टाइम तक स्किन में ट्रैप रहता है और स्किन को लगातार हाइड्रेशन मिलता है. ये ध्यान रखना है कि लेयरिंग हमेशा डैम स्किन पर ही करें जिससे प्रोडक्ट स्किन में डीपली पेनिट्रेट कर सके. तो अगर हाइलुरोनिक एसिड जैसा स्किन केयर इंग्रेडिएंट और साथ में मॉइस्चर सैंडविच टेक्निक हो तो समझो स्किन की तो बल्ले बल्ले है. हाइलुरोनिक एसिड रेंज के बारे में मैं आपको पिछली वीडियोस में भी बता चुकी हूँ. हाइलुरोनिक एसिड क्लेंजर, हाइलुरोनिक एसिड सीरम, हाइलुरोनिक एसिड जेल क्रीम और हाइलुरोनिक एसिड फ्रेश मिक्स सीरम मास्क. इन प्रोडक्ट्स को मैंने अपनी डेली स्किन केयर रूटीन में ऐड किया एंड यू कैन सी द डिफरेंस. हाइलुरोनिक एसिड जेल क्लेंजर बेसिकली एक फेस वॉश है जो स्किन को क्लेंज करने के साथ उसको हाइड्रेट भी करता है. क्लेंजिंग को ना स्किन केयर में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है. हाइलुरोनिक एसिड जेल क्लेंजर का क्रीमी और अल्ट्रा फाइन फॉर्म पोर्स में पेनिट्रेट करके इम्प्योरिटीज़ और मेकअप रेजिड्यू को क्लीन करते हैं. इसकी जेंटल जेल टेक्नोलॉजी स्किन को बिना ड्राई किए उसे क्लेंज करती है. ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और सभी स्किन टाइप्स को सूट करता है. आई हैव ट्राइड फ्यू हाइलुरोनिक एसिड क्लेंजर्स फ्रॉम द मार्केट बट दिस वन रियली स्टैंड्स आउट. हाइलुरोनिक एसिड सीरम इस रेंज का सबसे पहला प्रोडक्ट है. ये सीरम आता है परफेक्ट 1.5% हाइलुरोनिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन के साथ जो इसे बेस्ट बनाता है. ये लाइटवेट और नॉन स्टिकी है और स्किन में जल्दी एब्जॉर्ब भी हो जाता है. ये अल्कोहल, पैराबीन्स और फ्रेग्रेंस फ्री है जो इसे सभी स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल बनाता है, इवन द सेंसिटिव वंस. हाइलुरोनिक एसिड जेल क्रीम में है माइक्रो हाइलुरोनिक एसिड मॉलिक्यूल्स जो स्किन में डीपली पेनिट्रेट कर देते हैं और आपको देते हैं बेस्ट रिजल्ट्स. एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से ये मार्केट की बाकी क्रीम से काफ़ी अलग है. इसका टेक्सचर ट्रांसलूसेंट पर्ली जेल की तरह है, वेरी स्मूथ एंड नॉन स्टिकी. ये इजीली अब्जॉर्ब भी हो जाते हैं. इट इज़ वेरी कंफर्टेबल ऑन स्किन एंड इज परफेक्ट फॉर आर काइंड ऑफ वेदर. एप्लीकेशन ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर क्वाइट ईजी. हाइलुरोनिक एसिड क्लेंजर को वेट फेस पर अप्लाई करें. सर्कुलर मोशन में मसाज करना है और फेस को पानी से वॉश कर लेना. क्लेंजिंग के बाद फेस को थोड़ा गीला छोड़ दें. हाइलुरोनिक एसिड सीरम के 3-4 ड्रॉप्स लेकर फेस पर डैब करें. सीरम के बाद मटर के दाने के बराबर हाइलुरोनिक एसिड जेल क्रीम लेनी है. फेस एंड नेक पर डॉट डॉट करके लगाना है और पूरा एब्जॉर्ब होने तक मसाज करना है. इस प्रोसेस को मॉइस्चर सैंडविच कहते हैं क्योंकि इससे स्किन को मिलता है मैक्सिमम हाइड्रेशन. प्रोडक्ट्स को सेम इंग्रेडिएंट्स के साथ लेयर करने से रिजल्ट इम्पैक्टफुल होते हैं. बेस्ट रिजल्ट्स के लिए सीरम और जेल क्रीम का कॉम्बिनेशन दिन में 2 बार ज़रूर यूज़ करना चाहिए, मॉर्निंग में और नाइट में. जेल क्रीम को सीरम के बाद अप्लाई करना चाहिए क्योंकि ये सीरम को स्किन में ट्रैप करके रखता है. इन प्रोडक्ट्स को स्किन केयर में ऐड करने से मेरी स्किन हाइड्रेटेड, रेडिएंट और प्लम्पी दिखने लगी है. क्लेंजर 2 साइजेस में अवेलेबल है, 50 ml एट 175 एंड 100 ml एट 315. सीरम भी 2 साइजेस में अवेलेबल है, 15 ml एट 499 एंड 30 ml एट 999.
क्रीम भी टू साइजेस में अवेलेबल है, 15 ml एट $4.99 एंड 50 ml एट $9.99। प्लीज़ चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। थैंक यू।